सुबह लाइट नहीं थी तो भाई पावर बैंक से किया अपना फ़ोन चार्ज, ये वाला भी ये वाला भी, और अब तो पावर बैंक भी डेड हो चुका है लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। बाकी गाइस मौसम की अगर बात करो तो देख सकते हैं आप सुबह सुबह भाई साहब जो कोहरा आ रखा है ना, वो माय गॉड भाई साहब, ये वाला पहाड़ भी नहीं दिख रहा है, मतलब जस्ट आ गया मेरे घर के। और इस साइड तो देख सकते हैं आप कोई भी घर नहीं दिख रहे हैं भैया, नहीं तो यहाँ पर पूरे अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं बिल्कुल हरे हरे। क्या मौसम हो गया सुबह। बाकी गाइस तुम्हारा भाई नहा धो के हो चुका है रेडी करने के लिए आज के ब्लॉग की तैयारी, क्योंकि सुबह अगर ब्लॉग की तैयारी हो गई तो हो गई, वरना भाई दिन में तो सो गाइस वेलकम बैक टू माय टू चैनल द हिमानी चक्के। और खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में तहे दिल से तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हारा स्वागत है। सो गाइस फिलहाल थोड़ा बहुत काम था बड़ा मार्केट में मेरा, तो मैंने सोचा कि हल्का सा एक शूट भी कर लेते हैं। 2 hours later सो गाइस बड्डा से तो मैं आ गया था तुरंत, थोड़ा सिगरेट धोया, एक डेढ़ घंटा था, मतलब थोड़ा एवेंजर का भी काम कराया आज, क्योंकि जो उसके हेडलाइट के नट थे ना वो कहीं ढीले हो चुके, मतलब निकल ही गए थे वो, ढीले तो क्या थे निकल ही गए थे, तो वो पहनाए। उसके बाद घर आया, थोड़ी देर बारिश भी रही, थोड़ी देर आराम भी किया, एक वीडियो एडिट भी किया, तो आजकल थोड़ा बहुत टाइम कम हो पा रहा है यार, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा ही होता भाई एक ब्लॉगर की लाइफ में। बाबली लच्छू का छूट, लच्छू कौन सा छूट है ये, क्या नाम कहते हैं छूट का बाबू, क्या कहते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर आज लच्छू ने जीन्स और शर्ट खोल के, टॉप और जीन्स खोल के इस सूट पहना है, इस सूट का नाम क्या वैसे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, शर्माते थोड़ी ना बा, पटियाला। अच्छा यानी कि पंजाबी सूट है ना ये, ब्यूटीफुल लग रहे हो आप तो, थैंक यू कौन कहेगा, कौन लाया वैसे सूट, कौन लाया तो पुच्ची कौन करेगा फिर, अब आओ पुच्ची कर लो जल्दी करो फिर, ओ बाबली और यहाँ पर। तो गाइस पिथौरागढ़ गया था मैं, ला तो गया था मैं कम से कम इसको एक महीने पहले, लेकिन भाई आजकल के बच्चे आपको पता ही है ना पहनते ही नहीं है, जब 10,000 बार हमने कहा ना इससे अच्छी लग रही है बाबू, अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है, तब जाके इसने सूट पहना, वरना ये जीन्स टॉप ही पहनती है घर में, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो देखा भाई, हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है नए बच्चे हैं भाई, उनकी सोच देखो कैसे बदल ली है। पुराने क्या होते थे कि पुराने समय में मतलब सूट पहना करते थे, और जो लड़के होते हैं वो कमीज और पैंट पहना करते थे, लेकिन अब देखो जीन्स शर्ट जीन्स टॉप अप, तुम्हें अच्छी लग रही है, लग रही है बताओ, अच्छा पक्का है ना, तो शर्माते क्यों आप देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, देखो कैमरे में देखो अच्छा लग रहा है, लग रहा है। गाइस जो वाला मुर्गा है ना ये इतना हरामी मुर्गा हो रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, होने के लिए मेरे पास 3 मुर्गे हैं लेकिन सबसे बड़ा ये वाला है, और ये सारी मुर्गियों को खोप रहा है, सारी जितनी भी हैं। असल में गाइस बात ऐसी है कि और मुर्गे तो छोटे हैं इससे, ये बड़ा है, तो ये मुर्गों को तो खोप, मतलब मुर्गियों को तो खोपता ही है, ये मुर्गों को भी खोप रहा है यार, मुझे तो लग रहा है कि किसी मुर्गे को या मुर्गी को मार देगा खोप खोप के, तो इसको या तो मैं बेच देता हूँ या तो मैं काट के खा लूँगा, साला बहुत खतरनाक टाइप का मुर्गा हो रहा है। बाकी गाइस कमेंट आए थे 2-4 लोकल के थे, अपने भाई लोगों को पूछ रहे थे कि ये बैग कितने का लिया और कितने लीटर का है, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत तगड़ा कपड़ा है बैग का, शायद पॉलिस्टर है ये, वाटर प्रूफ है, और ये मैंने लिया था गाइस हल्द्वानी मार्केट से, ठीक है अच्छे रेट में बैठा था मेरे को, यूनिक रेट में बैठा था, बाकी मतलब यूनिक क्या यार कहने का, मतलब आप मान सकते हैं कि 1200-1300 रुपये मतलब पे किया मैंने इसका, और ठीक है मजबूत भी है, चैन वैन सही है इसमें, और सबसे अच्छी बात ये ना गाइस
जब मैं लॉन्ग टूर में जाऊंगा इसमें कम से कम 65 लीटर सामान आ जाएगा, 65 लीटर इसमें सामान अवेलेबल हो जाएगा आराम से। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर मेरे को पन्नी लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर बारिश आ रही है और मैं बाइक राइड कर रहा हूँ तो इस तरीके से जो मैंने दोनों बक्से लगा रखे हैं बाइक में उसके ऊपर क्या होगा कि ये इस तरह से हो जाएगा और बंजी जंपिंग से दोनों तरफ से बच जाएगा, तो ये फायदा है। देख सकते हैं गाइस आप बहुत ज़्यादा स्पेस है भाई इस बैग में, देख सकते हैं आप, तो अच्छा खासा है भाई बैग ये। तो हल्द्वानी जाने में यही फ़ायदा है गाइस कि आपको जो है कि सामान अच्छे रेट में और जो सामान की क्वालिटी होती है ना उसमें भी आपको वैरायटी मिल जाती है। तो बहुत जल्द भाई तुम्हारे भाई की एक लॉन्ग राइड होने वाली है तो वहाँ पर मैं प्रिपेयर दिखाऊँगा इसमें सामान डाल के भी, और इसको लगेज की तरह बाइक में जब हम ऐड करेंगे बंजी जंपिंग से तो बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी गाइस पिछली वीडियो में आपने देखा था मरियो मैंने एमसील लगाई थी ना इसमें, तो गाइस बिल्कुल हजम हो चुका है, मतलब ये मान के चलिए कि बिल्कुल सीमेंटेड हो चुका है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें अब क्या है ना गोप्रो तो लग जा रहा है, बट अभी क्या है मेरे पास माइक अडेप्टर नहीं है, तो वो जब आएगा तो उसको लगाने के बाद क्या होगा जो वो आएगा ना भैया साउंड यानी कि माइक अडेप्टर, तो इसके नीचे जाता है माइक, इसके नीचे माइक जाता है, ठीक है ना। फिर आप जो बोलते हैं एकदम क्लियर आवाज़ आएगी। दूसरा हेलमेट मेरा ये वाला है, तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसको निकालूं फिर इसको लगाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं यार अगर लॉन्ग टूर में मान लीजिए मेरी अगर चिप फुल हो जाती है, पेन ड्राइव फुल हो जाता है, कार्ड ड्राइव फुल हो जाता है, और किसी भी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता गोप्रो में कोई ख़राबी आती है तो यहाँ पर कम से कम फ़ोन तो अटैच होगा, तो भाई सेकेंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए आदमी के पास, क्योंकि बाहर ये चीज़ें तो भाई एकदम से अवेलेबल नहीं मिल होती है ना आपको, और चीज़ों की हेल्प तो हो जाएंगी लेकिन भाई हेलमेट आपको प्रिपेयर कौन देगा। तो ना मैंने इसमें से अभी माइक निकाला है और ना मैंने अभी इसमें से मतलब जैसा हेलमेट था ये मैंने वैसे ही रख दिया है। तो अभी मेरे पास दो हेलमेट हो गए हैं, एक फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए ये है और एक है आपका गोप्रो की, लेकिन इसमें ये है कि गोप्रो तो सक्सेस है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें अब क्या लगेगा माइक और अडैप्टर, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा उसके। सो गाइस जब भी आप लॉन्ग टूर में जाते हैं तो दो ऑप्शन तो हमेशा आपके पास होने चाहिए। तो फोन से भी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है क्योंकि मेरे पास वाइड एंगल लेंस अलग से है, मैंने मंगाए रखा था वो अमेजोन से, तो सारी चीज़ें भाई काम ही आने वाली हैं। तो इस वजह से मैंने इस हेलमेट में ज़्यादा मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने सोचा कि गोप्रो के लिए एक अलग ही रखते हैं हेलमेट और एक फ़ोन के लिए अलग से अपने पास है। तो जब भी मैं लॉन्ग टूर में जाऊँगा ना तो दोनों हेलमेट अपने साथ ले जाऊँगा, कैरी करूँगा, जिससे अपने को बेनिफिट ही होगा कि ठीक है यार अगर एक सेटअप किसी कारणवश खराब हो भी जाता है तो दूसरा ऑप्शन है भाई, क्या क्या नहीं करना पड़ता है क्या क्या नहीं। सो गाइस देख लो मैं वीडियो बना रहा था और भाई इनकी क्या शर्तें हैं पता है, नन्नू अभी शूट कर रही है, अब ये कह रही है कि पहले मेरे को घोड़े में बैठना है और उसके बाद ये शूट करेगी लतू कि नन्नू को बैठना घोड़े में, मतलब अगर मैं घर रहूँ तो चैन नहीं है इनको, ना रहूँ तो चैन नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ रे। अब मैं देखो एक काम करता हूँ दोनों को एक साथ बैठाता हूँ घोड़े में, आजा तू भी आजा मैं पकड़ूंगा कैमरा, आजा आजा जाओ। चलो गाइस एक्चुअली बात करना गाइस ये स्कूल नहीं गए आज, और जिस दिन ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं ना उस दिन ये मुझे कोचिंग कराते हैं फिर बढ़िया तरीके से। मैंने अभी खाना खाया रे बाबू, पेट फटेगा तो मेरा नहीं था, फटेगा तो चलो दोस्त हमको एक घोड़े की मदद करो उठाने में, ये तो उठ ही नहीं। जाओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय और ऊंचा। तो देखो भाई एक हाथ से पकड़ रखा है गोप्रो और एक हाथ है मेरा नीचे भाई, अरे किलो किलो अरे किलो हेलो दोस्तों। सो गाइस देखा भाई आज मेरा भी कोई काम नहीं था ना, लेकिन अब मैं घर में तो रहूंगा ही नहीं, तो तुम दोनों मेरे को ऐसे परेशान करते हो ना। सो गाइस आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, भाई थोड़ा लेट आ रहे हैं व्लॉग तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, लॉन्ग राइड की भी तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी, तो अभी तो बताऊंगा मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ।
सो ठीक है, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन और क्या कमेंट। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए हाल टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।